हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ई लाइब्रेरी। आज हम एसएससी 10+2 के 2016 के जीएस पेपर को लेकर आए हैं, जो लगभग 2017 में जिसका एग्जाम हुआ था, जनवरी 2017 में हुआ था। तो इसमें हम जीएस के सभी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए एक एक चल के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ फोर विट्स, चार बिट्स का एक समूह बनाता है। तो इसका जो आंसर है, चार बिट का एक समूह जो होता है उसको हम निवल कहते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और रिलेशन है जो, जैसे आप देखिए, फोर बिट को एक निवल कहते हैं, एट बिट को वन वाइट कहते हैं, एंड 1024 वाइट को एक किलोबाइट हो जाता है, एंड 1025 किलोबाइट मिलकर एक एमबी बन जाता है, एक मेगाबाइट होता है, एंड 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के इक्वल होता है, एंड 1024 गीगाबाइट इक्वल टू टेराबाइट। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ रिलेशंस हैं, इसमें से इस बार ये पूछा गया था, और नेक्स्ट टाइम और कुछ भी इससे पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैरोग्राफ वाज इन्वेंटेड बाई, वैरोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है लूसियन विधि, फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बैरोग्राफ होता क्या है? बैरोग्राफ इज ए बैरोमीटर दैट रिकॉर्ड्स बैरोमेट्रिक प्रेशर ओवर टाइम। जो बैरोमीटर जो होता है उसके रिकॉर्ड को जो रखता है उसी को हम बैरोग्राफ कहते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बैरोग्राफ का आविष्कार जिसने किया था, लूसिया विधि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज इज कॉज्ड बाई, डायबिटीज मधुमेह होने का कारण है। तो इसका जो कारण है, इंसुलिन का कम उत्पादन, लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। जब इंसुलिन हमारे शरीर में कम बनता है तो हमें मधुमेह होने का चांस रहता है, डायबिटीज होने का चांस रहता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है? उस इंसुलिन जो होता है हमारे बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन कंट्रोल शुगर लेवल, ये हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है। और इंसुलिन कैसे बनता है? इंसुलिन जो है पैनक्रियाज में किस स्राव से बनता है, इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्टोना ग्रैंडिनलिन का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम ऑफ, तो ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो इस ये जो है सागौन टी का साइंटिफिक नेम है टेक्टोना ग्रैंडिनलिन। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो अमरूद गुआवा का साइंटिफिक नेम है वो है पिस्डिम गुजावा, एंड अमला का है फाइलेंथस इम्बेलिका। इसमें देखो, इस बार इसका पूछा गया तो नेक्स्ट टाइम इसके अलावा दूसरे का पूछा जाता है, इसलिए हमने इन सब का भी बता दिया यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे टेक्टोना ग्रैंडिनलिन जो है साइंटिफिक नेम है सागौन का टीक का, तो इसका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी एनिमोन्स डॉट डॉट प्रजाति की अंतर्गत आते हैं, सी एनिमोन्स बिलोंग टू द फाइलम। तो इसका जो हो जाएगा नेडेरिया, सेकंड ऑप्शन, तो इसका ये सेकंड ऑप्शन सही होगा, नेडेरिया प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, निम्न में से कौन किसी परमाणु के केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं। तो परमाणु के केंद्रक जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो केंद्रक में होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? तो इसका जो है नाम पूछा गया है, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, और जिसका केमिकल फार्मूला जो होता है NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। ये यूज कहाँ होता है? ये खाना बनाने में यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे हैं? एलिफेंटा केव्स इज इन, एलिफेंटा जो है महाराष्ट्र में, एलिफेंटा इन महाराष्ट्र। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर है, महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज ए क्लासिकल डांस फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक, यही उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उस टाइम लोग होते थे घूम घूम के कहानियां सुनाते थे, उनको कथाकार कहते थे, और एक कथक जो है शब्द कथा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कथा मीन्स स्टोरी, कहानी।
तो ये वहां से लिया गया। तो इसका थर्ड ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिमांड कर्व ऑफ कैंपिंग टेंट इज डी इक्वल टू 1 लाख माइनस 17 P एंड सप्लाई कर्व इज यस इक्वल टू 50,000 प्लस 8 P, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस। यदि कैंपिंग टेंट के लिए मांग वक्र डी इक्वल टू 1 लाख माइनस 17 P एंड आपूर्ति वक्र यस इक्वल टू 50,000 प्लस 8 P, तो संतुलन कीमत ज्ञात करें। यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स का एक थोड़ा क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो ये बहुत आसान सा है। यहाँ पे दिया गया है संतुलन कीमत। संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं कि मांग वक्र और आपूर्ति वक्र इक्वल होता है, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इक्वल होता है। तब हम इन दोनों को डी इक्वल टू यस कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे पी की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारी संतुलन कीमत हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं, देखिए इन इक्विलिब्रियम डिमांड कर्व इज इक्वल टू सप्लाई कर्व, तो हम इसको इक्वल कर देंगे दोनों को डी इक्वल टू यस, एंड जब हम यहाँ पे पी की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेशन करके तो वो आ जाएगा 2000। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट होगा। ओके, तो इक्विलिब्रियम में जो दोनों होता है डिमांड एंड मांग, डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होता है, इसको आप जाने रहेंगे तो ये आपसे आसानी से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इज इट्स, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका कहलाता है। तो ये कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम GDP कहते हैं। GDP, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सेवाओं, सामान और सेवाओं का मूल्य उसका GDP सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन रिवर्स इज क्लोज टू डॉट डॉट पार्ट्स पर मिलियन, नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन डॉट भाग होती है। तो नदियों में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो प्रति मिलियन 5 भाग होती है, तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। व्हिच इज आल्सो नोन एज कॉमन वाटर हाइकेंथ, निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है। तो ये है एकोर्निया, इसको हम जलकुंभी भी कहते हैं सामान्य भाषा में, तो इसका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडाले इज एसोसिएटेड विद, रुक्मणी देवी अरुंडेल किसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये जो है भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट डज नॉट शेयर कॉमन बॉर्डर विद हरियाणा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ कोई अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश करता है, मध्य प्रदेश है जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, और सभी यहाँ पे जो दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है, व्हिच प्लेनेट इज आल्सो रिफर्ड टू एज अ डॉर्फ प्लेनेट। तो ये जो है प्लूटो, प्लूटो को बौना ग्रह भी कहा जाता था। पहले प्लूटो जो होता था इसको हम ग्रह के रूप में मानते थे, तब नवग्रह माने जाते थे, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया कि ग्रह नहीं है, तो तब से हम इसको बौना ग्रह नाम से जानते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बौना ग्रह, प्लूटो को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज फाउंडेड इन 1828, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय थे, इसकी स्थापना 1828 में भी हुई थी, इसको भी आप देख मतलब याद रखना, ये भी आ सकता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, लास्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शाहजहां वर्ल्ड ताजमहल इन मेमोरी ऑफ, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण की याद में करवाया था। तो ये जो है मुमताज महल, ये क्वेश्चन है, ये शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, आसान क्वेश्चन आ गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हिच एक्टर ओन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द फर्स्ट फिल्मफेयर अवार्ड, प्रथम फिल्मफेयर अवार्ड में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था। तो ये थे दिलीप कुमार जी, जो फर्स्ट फिल्मफेयर अवार्ड हुआ था उसमें इन्होंने
बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था, और जो फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था वो हुआ था 1954 में, सबसे पहला जो हुआ था फिल्म फेयर वो 1954 में हुआ था। तो पहला जो एक्टर थे उसको दिलीप कुमार थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, निम्नलिखित भौतिक राशियों मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो इसमें जो है अदिश राशि है, पहले हम देख लेते हैं अदिश राशि क्या होती है। तो स्केलर मीन्स अदिश राशि जो होती है मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन मतलब दिशा नहीं होती है। और वेक्टर जो सदिश राशि होते हैं उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो ये दोनों स्केलर एंड वेक्टर में डिफरेंस होता है, अदिश राशि एंड सदिश राशि में होता है, इसको आप नोट करिएगा ना बताओ। तो यहाँ पे जो है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है वो है यंग्स मॉड्यूल, यंग का मापांक। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, और जो बाकी ऑप्शन है उनके वो जो है वेक्टर है मीन सदिश राशि है, उनके पास दिशा भी होती है एंड परिमाण भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है। तो कमरे के तापमान पर जो द्रव रूप में होता है वो है मरकरी मीन्स पारा, कमरे के तापमान पर जो है मरकरी जो है द्रव रूप में होता है। इसमें एक और ब्रोमीन भी होता है, लेकिन यहाँ ब्रोमीन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आप जाने रहिए। तो यहाँ पे जो है केवल पारा दिया गया, तो पारा जो होता है मरकरी जो होता है कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स अ पर्सन कैन सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है। तो ये जो है इसकी कोई लिमिट, भारत में इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कोई कितनी बार प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। तो डेफिनेटली इसका जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नो लिमिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी देन दिस प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा डाडाट के भीतर समर्थन देना जरूरी है। तो इसका जो है आंसर है वो 1 मंथ है, इस पे लग गया था उसको आप छोड़िएगा। इसका जो राइट आंसर है 1 मंथ, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा 1 महीने के भीतर समर्थन देना जरूरी है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद, दीपिका कुमारी डाडाट से संबंधित हैं। तो ये जो है आर्करी मीन्स तीरंदाजी से संबंधित है, एक खिलाड़ी है तीरंदाजी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, द अर्थशास्त्र वाज रिटन बाई, अर्थशास्त्र डाडाट ने लिखा था। तो एक आसान क्वेश्चन, अर्थशास्त्र को किसने लिखा था, तो अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य से संबंधित एक जो आसान सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो ये है, इनका नाम क्या था। तो इनका जो अदर नाम है, इनको कौटिल्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कौटिल्य इनका नाम, विष्णुगुप्त है, उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र। तो ये फर्स्ट सेट के जो पहले सेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे SSC 10+2 के एग्जाम में, वो सभी GS के क्वेश्चन हो गए। तो आप लोग इसके बारे में कोई अपना फीडबैक दीजिएगा, आप कमेंट नीचे करके आपको कैसा लगा या जो कुछ आप कहना चाहते हैं आप इसके कमेंट जरूर करिएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको और कंटिन्यू करेंगे और इसमें और इम्प्रूव करेंगे और क्या ज़रूरत है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए एंड अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस रेड बटन पर, सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले और इस एग्जाम से रिलेटेड जो अभी वीडियोज आएंगे वो आपको आसानी से मिल सकें। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।